Welcome dear student, today we will do 5th question of 7th class exercise 2.3. Here 5th question is, Sally plant 4 sapling in a row in her garden. The distance between 2 adjacent sapling is 3/4 meter. Find the distance between the first and the last sapling. यहाँ पर देखिए 5th question है हमारा. Sally है 4 सैपलिंग इन ए रो. मान लीजिए एक रो है, प्लांट लगाती है वो 1, 2, 3, 4 चार सैपलिंग है यहाँ पे, एक रो में प्लांट लगाई है. तो उन्होंने कहा है 1 सैपलिंग के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 3/4 मीटर. क्या है, 3/4 मीटर. और कितने सैपलिंग लगाए हैं उसने, 1, 2, 3, 4. यहाँ पे देखिए उन्होंने कहा फर्स्ट एंड लास्ट सैम्पलिंग के बीच में डिस्टेंस क्या होगी. देखिए 3/4 यहाँ पे, 3/4 यहाँ पे, 3/4 यहाँ पे. 3/4 को 3 टाइम प्लस कर देंगे. मैं इसको मेथड से बताती हूँ आपको. आप लिखोगे डिस्टेंस बिटवीन टू सैम्पलिंग, डिस्टेंस बिटवीन टू सैम्पलिंग, ठीक है, इज इक्वल टू 3/4. देन टोटल सैम्पलिंग, देखो प्लांट कितने हैं, 1, 2, 3, 4, बट उनके बीच में सैम्पलिंग कितने हैं, 1, 2, 3. टोटल सैम्पलिंग इज इक्वल टू 3. देन यू विल राइट डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैम्पलिंग, फर्स्ट एंड लास्ट, 3/4, 3/4, 3/4, कितने टाइम है, 3 टाइम. तो आप लिखोगे 2 सैम्पलिंग के बीच में डिस्टेंस क्या है, 3/4 मीटर. टोटल कितने हैं, 3. तो फर्स्ट एंड लास्ट के बीच में हो जाएगा 3 × 3/4, 9/4, 4 × 2 = 8, रिमाइंडर इज 1/4 मीटर. ये हो गई है टोटल डिस्टेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. हियर लिपिका रीड्स ए बुक 1 3/4 आवर एवरी डे. हर रोज लिपिका किसी बुक के 1 3/4 पेज रीड करती है, नियर अबाउट 1/2. सी रीड द इंटायर बुक इन 6 डेज, और 6 डेज में बुक को कंप्लीट कर देती है. हाउ मेनी हावर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक. बताएं बुक को कंप्लीट करने में उसे कितने हावर लगे. सी रीड्स डेली, सी रीड्स डेली, डेली कितना रीड करती है, 1 3/4, 1 3/4, 4 × 1 = 4, और 3 7/4 hours. ओके, 1 डे में, या आप लिख सकते हो सी रीड इन 1 डे, इन 1 डे. एक दिन में कितना पढ़ती है वो, 7/4 hours. टोटल डेज टेकन बाय हर टू कंप्लीट द बुक. बुक को कंप्लीट करने में कितने डेज लगे, 6. टोटल डेज कितने लगे, 6. और 1 डे में कितने हावर रीड करती है, 7/4. तो टोटल हावर्स टेकन बाय हर इन 6 डेज, 6 डेज में. 1 डे में कितना हावर लेती है, नियर अबाउट 1/2, 1 3/4. तो 6 डेज में कितना लेगी, 6 × 7/4, 2 × 3 = 2, 7 × 3 = 21/2, 2 × 10 = 21/2 hours. Is that clear? Now come to the 7th question. A car runs 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर पेट्रोल. एक कार है 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर जाती है. हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर 2 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल. इसमें आपको क्या गिवन है, जो एक कार है 1 लीटर पेट्रोल में कितनी डिस्टेंस कवर करती है, 16 किलोमीटर. ओके, डिस्टेंस इन 1 लीटर पेट्रोल डिस्टेंस कवर बाय कार, कवर्स बाय कार. मेरे हाथ में भी थोड़ा सा दर्द है, राइटिंग क्लियर नहीं हो रही है, आप अच्छे से कर लेना. इन 1 लीटर पेट्रोल डिस्टेंस कवर बाय कार, इसमें कितनी डिस्टेंस कवर करती है, 16
किलोमीटर पर हावर. ओके, हमें कितने में फाइंड करना है? 2 3/4 इन 2 3/4 4 2 8 और 3 11/4 लीटर इन 2 3/4 लीटर पेट्रोल. आप लिखोगे ऐसे इन 2 3/4 इज इक्वल टू 11/4 लीटर पेट्रोल डिस्टेंस कवर बाय कार. ये किलोमीटर है. 1 लीटर में कितना जाती है? 16 किलोमीटर. तो इतने लीटर में कितना जाएगी? ज्यादा, उसके लिए मल्टीप्लाई 16. 4 1 जा 4 4 जा कितना जाएगी? 44 किलोमीटर.